मैं ज्यादा बड़ा वक्ता तो नहीं हूं, परंतु जब बात मेरे कौम की आती है, जब बात हमारे समाज की आती है, तो उसमें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के जाट नहीं, वो तमाम विश्व के जाट, हमारा डीएनए, हमारा खून एक है, हम सारे आपके हितों के लिए लामबंद हैं। हम तो देखते हैं ये माननीय मोदी जी, जो पता नहीं सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हरियाणा पे जबरदस्ती ऐसे खचरों को लाद दिया, जो हमारी बातों को नहीं समझ सकते, जो हमारी मांगों को नहीं समझ सकते, जो हमारे त्याग और बलिदान की परिभाषा नहीं समझ सकते। चलो वो तो एक अलग इशू है कि वो तो मौका हमारे पास आने वाले 2-2.5 साल बाद आएगा। लोकतंत्र में हम जिस वोट की चोट का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हमारे पास कुछ समय बाद आने वाली है। परंतु मैं धन्यवाद दूंगा हरियाणा के जाटों का, हमारी माताओं बहनों का, कि पिछले कुछ समय से हम राजस्थान में बैठे हुए जाट समाज के लोग बातें करते हैं कि हमारा समाज, जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था तो हम लोग बातें किया करते थे कि यार गुर्जरों ने अपनी कौम को जगाने का काम किया है। परंतु दुनिया की एक ऐसी जाति जिसने आर्मी के सामने भी अपने सीने पे गोलियां खाकर इस समाज के स्वाभिमान को बचाने का काम किया, वो हिंदुस्तान में दूसरी कौम नहीं हो सकती, वो जाट कौम है। आपके भाई का, आपके बेटे का आपसे निवेदन है कि आप लोग आदेश कर देना, हम तो यहां पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि जिस दिन हरियाणा का जाट धरना स्थल से अपने घर लौटेगा, उसी दिन हम लोग राजस्थान में प्रवेश करेंगे। हम हमारे भाइयों को आपके हकों के लिए, चाहे यहां बैठना हो, चाहे दिल्ली कूच करना हो, चाहे संसद घेरना हो, जैसा भी आप लोग रणनीतिकार आदेश करेंगे, आपका बेटा, आपका भाई आपसे ये आपको आश्वस्त करवाता है कि राजस्थान का जाट जवान आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और हम हमारी छोटी पीढ़ियों को ये कहते हैं कि आप उस कौम में पैदा हुए हो जिस कौम में सदियां लग जाती है, उस कौम में पैदा होने के लिए हमें तो गर्व है कि हम उस जाट समाज का खून है हमारे अंदर, हमारा कतरा कतरा उस जाट समाज के काम आए। क्योंकि अब तो आर्मी भी वो गाने गाती है, जब आर्मी का बैंड बजता है, कोई सिख, कोई जट, कोई मराठा, वो सिख भी जट है, वो जाट भी जट है। परंतु इन सरकारों ने, निकम्मी सरकारों ने जो हमारे साथ किया, ये मैसेज हम तमाम हिंदुस्तान में यदि देने में सफल हो गए, तो आने वाली 7 पुश्तैन सरकारों की औकात नहीं होगी कि वो हमारी रूह को भी हाथ लगा बैठे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, परंतु हम आपको मजबूत करने के लिए आए हैं, हम आपको आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हरियाणा के जाट अपने आपको अकेला नहीं समझे। हम यूपी भी गए थे चुनाव में, तो पश्चिम यूपी के जाटों ने भी यह तय किया था कि जब हरियाणा का जाट हमें पुकारेगा, हम हमारी सारी चीजें छोड़ के हरियाणा के लिए कुछ करेंगे। राजस्थान का जाट भी आपको आश्वस्त करवाता है। और भी हमारे जो लोग आज नहीं आ पाए हैं, वो बैठे हुए रणनीति बना रहे हैं कि कब रामनारायण जी का आदेश आए और कब हम लोग हरियाणा और दिल्ली के लिए कूच करें। तो आप हमें आज आपकी रणनीति के बारे में बता दीजिएगा। कंधे से कंधा मिलाकर जाट समाज राजस्थान का आपके साथ है। जाट बलवान, जय भगवान, जाट है।